नमस्ते बच्चों, मैं दीप्ति सांगवानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल। जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले तास में हमने इकाई 5 चिड़ियाघर की सेन इसका अभ्यास किया था, याद आया कि नहीं? यस। आज हम इस क्लास में इकाई नंबर 6 हंसी का पिटारा उसके प्रथम पाठ की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हम हर बार करते हैं? पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया है उसको फिर से दोहराते हैं। ओके, चलिए। पिछले क्लास में हमने इकाई नंबर 5 चिड़ियाघर की सेल इसका अभ्यास किया था। चिड़ियाघर यानी क्या, याद कीजिए? यस, चिड़ियाघर यानी जू, प्राणी संग्रहालय, जहाँ पर हमें एक साथ बहुत सारे जानवर और पंछी देखने को मिलते हैं, उसे चिड़ियाघर कहते हैं। ओके, जो पंछी और जानवर हम अपने आसपास नहीं देख सकते, राइट, वो सारे पंछी और जानवर हमें चिड़ियाघर में देखने को मिल जाते हैं, राइट। और चिड़ियाघर में हमें टिकट भी लेना पड़ता है, वहाँ के नीति नियमों का पालन भी करना पड़ता है, राइट। वहाँ पर हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है पशु पंछियों के बारे में, राइट। तो चलिए, हमने देखा था कि गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर जाती है। कहाँ जाती है? चिड़ियाघर जाती है। सबसे पहले वो शेर के पिंजरे के पास जाती है। वहां पर वो देखती है कि बहुत भीड़ लगी हुई है, लेकिन जैसे ही शेर दहाड़ता है सब लोग डर के मारे पीछे भाग जाते हैं। फिर उसने आगे बंदर का एक पिंजरा देखा। वहां पर उसने देखा कि बहुत से लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे, क्योंकि यह तो गलत बात है। वहां पर एक तख्ती भी लगी हुई थी। दादाजी ने बताया कि चिड़ियाघर के पशुओं को खाना खिलाना मना है। सही बात है, हमें बिना पूछे किसी जानवर को कुछ नहीं देना चाहिए। मैंने अभी बताया कि चिड़ियाघर के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, राइट। फिर पिंजरे से थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए जिससे कोई जानवर हमें हानि न पहुंचाए। फिर आगे गीता ने क्या देखा बताइए? यस, लंगूर, जिसका मुंह काला होता है और पूंछ बहुत ही लंबी होती है, जो बंदर जैसा दिखता है लेकिन बंदर नहीं होता, बंदर ही होता है, उसे लंगूर कहते हैं, जो बंदर से थोड़ा अलग होता है। फिर गीता ने गैंडा देखा जिसकी नाक पर सिंग लगे हुए थे। फिर आगे गीता ने लंबी गर्दन वाला जिराफ देखा। गीता प्रत्येक पिंजरे के पास जाकर अलग अलग प्राणियों को देखती है। भालू अपने दो पैरों पर खड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। गीता को मजा आ रहा था चिड़ियाघर में, क्योंकि उसे तरह तरह के जानवर देखने को मिल रहे थे और उसके बारे में उसको दादाजी जानकारी भी दे रहे थे। पानी में मछली और बतख तैरती हुई उसे दिखाई दी। फिर कछुआ भी था। कछुए को देखकर गीता उसको पत्थर समझती है। दादाजी उसे बताते हैं कि कछुए के शरीर पर खोल होता है जो उसका रक्षक होता है। कछुआ जब डर जाता है तो अपना पूरा शरीर खोल के अंदर छिपा देता है, वो बहुत सख्त होता है।
फिर पानी में मगर दिखाई दी, फिर आगे उसे काकातुआ दिखाई देता है, फिर शाहरुख यानी कि शुतुरमुर्ग दिखाई देता है, हाथी, फिर ऊंट, लोग इसकी सवारी कर रहे थे। इस तरह चिड़ियाघर में गीता को अलग अलग प्रकार के पंछी और जानवर दिखाई दिए। मोर, हरियाल, ये सारे पंछी पिंजरे में लगे हुए थे, राइट। अंत में गीता आइसक्रीम खाकर दादाजी के साथ बस में बैठकर घर चली जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें चिड़ियाघर में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है जानवरों के बारे में और पंछियों के बारे में। गुड इवनिंग, यहाँ तो बात हुई इकाई नंबर 5 की। अब बात करते हैं इकाई नंबर 6 की, हंसी का पिटारा। नाम पढ़कर ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर बहुत सारे चुटकुले दिए गए हैं, जिसे आप जोक्स कहते हैं, राइट। अब सोचिए भला आपकी किताब में इकाई 6 हंसी का पिटारा क्यों दिया गया होगा। यस, इस इकाई से हमें पता चलता है कि जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के लिए खूब जरूरी है। हास्य से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमारे सारे दुख दर्द भाग जाते हैं। समझ में आया बच्चों? हास्य से हमें अंदरूनी ऊर्जा मिलती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? हास्य हमारे सभी दर्द को भुला देता है। जो लोग बहुत ज्यादा हंसमुख होते हैं, उससे बीमारियां कोसों दूर रहती है, क्योंकि हास्य जीवन में खूब जरूरी है। वो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, राइट। आपने कई बार देखा होगा कि लाफिंग क्लब चलते हैं, लोग वहां पर हंसने के लिए जाते हैं, है ना? कई बार आप घर में भी बहुत सारे जोक सुनाते हैं, जिससे क्या होता है, वातावरण खुशनुमा हो जाता है, सुखमय हो जाता है ना? क्योंकि चारों ओर हंसी फैल जाती है। तो चलिए आज हम इस इकाई में बहुत सारे चुटकुलों का अभ्यास करते हैं। यहाँ पर मैं आपको तरह तरह के अलग अलग प्रकार के चुटकुले सुनाऊंगी। आपको अच्छे से सुनना है और अपनी हंसी को बिल्कुल नहीं रोकना है, ठीक है? तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको चुटकुले सुनाती हूँ। तो चलो बच्चों, अब हमारी इकाई 6 हंसी का पिटारा, राइट। तो चलिए हम इस पिटारे को खोलते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कुछ चुटकुले सुनाऊंगी, ठीक है? आपको अच्छे से सुनना है और उसका मजा उठाना है, उसको समझने का प्रयास करना है, ठीक है? चलिए, एक बार पति पत्नी बातें कर रहे थे। रात को बहुत समय हो चुका था। पत्नी अपने पति को कह रही थी कि अब सो जाइए, देखिए घड़ी में 12 बज गए हैं, ठीक है? तब पति उसे कहता है कि थोड़ी देर रुको, मैं इस किताब को पढ़ लेने के बाद सो जाऊंगा, तुम जाकर सो जाओ, क्यों ही ना 12 क्यों ना बजे हो, मुझे अपनी किताब खत्म करनी है। पत्नी उसे सुनाती है कि 12 बजे कोई किताब थोड़ी ना पढ़ता है, सो जाइए। तब पति कहता है तुम अपना काम करो, मैं सो जाऊंगी, ठीक है? पत्नी कहती है ठीक है, चलिए मैं मोबाइल चार्ज में रख देती हूँ और सोने चली जाती हूँ। तब उसका पति उसे कहता है कि ध्यान रखना, मोबाइल चार्ज में रख कर तुम हर बार भूल जाती हो, बैटरी कहीं फट न जाए। तब उसकी पत्नी कहती है
कि मैं तो मोबाइल बिना बैटरी के ही चार्ज में रख देती हूँ, पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। यह सुनकर उसके पति के हाथ से किताब छूट जाती है, वो बेचारा हक्का बक्का रह जाता है। देखो आई रहा हंसी आपको, क्यों? क्योंकि पत्नी बिल्कुल बेवकूफ़ है। वो क्या करती है, मोबाइल चार्ज में तो रखती है लेकिन बैटरी निकाल देती है। अब भला मोबाइल में बैटरी को ही तो चार्ज करना होता है, लेकिन ये कुछ समझती नहीं है। आया ना मजा आपको बच्चों? देखो अब आगे बढ़ते हैं। एक पति बहुत मुस्कुरा रहा था, तब उसके दोस्त ने उसे कहा कि तुम उसके इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? आज मेरी बीबी का जन्मदिन है इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। तो उसका दोस्त बता रहा है कि इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है, क्योंकि मुझे पता है कि मुस्कुराहट के बाद तो मुझे रोना ही है। उसके दोस्त ने बताया, ऐसा भला क्यों? तब वो पति उसे बताता है कि मेरी पत्नी का नाम तपस्या है, लेकिन केक बनाने वाले ने उस पर तपस्या के बदले समस्या लिख डाला है। समझ में आया बच्चों? नहीं? चलो मैं ही समझा देती हूँ। वो इसलिए हंस रहा था कि केक देखते ही उसकी पत्नी भड़क जाएगी, क्योंकि उसका नाम तपस्या था लेकिन केक पर क्या लिख डाला था, समस्या। तो इसका मतलब तो यह हुआ ना कि उसकी पत्नी समस्या वाली है, इसीलिए तो उसको मार पड़ने वाली है या तो डांट पड़ने वाली है। इसीलिए बेचारा पति जोर जोर से हंस रहा था कि बाद में तो मुझे रोना ही है, क्योंकि डांट की वजह से या तो मार की वजह से। अब देखो केक बनाने वाले ने गलती से तपस्या का समस्या कर दिया, अब तो भला उस पति को भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है ना? चल आगे बढ़ते हैं। एक खास बात बता दूँ, जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाने वालों को तो बस मैंने पीछे ही हटते हुए देखा है। समझ में आया बच्चों? आया कि नहीं समझ में आया? चलो मैं ही बता देती हूँ। क्यों ऐसा कहा है कि झाड़ू लगाने वाले आगे ही बढ़ते हैं? क्योंकि हम कचरा कैसे निकालते हैं, कूड़ा कैसे निकालते हैं, झाड़ू आगे करते ही कूड़ा निकालते हैं ना, कचरे को बाहर निकालते हैं। और पोछा करते वक्त हम क्या करते हैं, पोछा करते वक्त हम पीछे पीछे चलते हैं, है कि नहीं? इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि झाड़ू निकालने वाला इंसान सदैव आगे ही बढ़ता है। यहाँ पर हंसी के रूप में कहा गया है। समझ में आया कि नहीं? ओके बच्चों, ऐसे तो बहुत सारे चुटकुले हमारे आसपास भी बनते हैं जिससे हमें बहुत हंसी मिलती है, और जीवन में हंसी बहुत ज़रूरी है ना? जो लोग हंसते रहते हैं उसका स्वास्थ्य तो अच्छा रहता है, वो सदैव तंदुरुस्त रहते हैं, बीमारियाँ उसको छूती भी नहीं है, पास से ही गुजर जाती है, ठीक है? चलो और आगे बढ़ते हैं। शादी में सोमू काफ़ी देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछ लिया, कितना खाओगे? वो बोला, मैं भी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, लेकिन कार्ड में लिखा है खाने खाने का समय 7 से 10 बजे तक का है। समझ में आया बच्चों? देखो सोमू को ये नहीं पता है कि कार्ड में यह लिखा है कि खाने खाने का वक्त 7 से 10 बजे तक का है, यानी आप 7 बजे से लेकर 10 बजे तक खाना खा सकते हो, इस बीच दौरान ये खाने का कार्यक्रम शुरू रहेगा।
लेकिन वो क्या समझता है कि इतने घंटे यानी 7 से 10 घंटे खाते ही रहना है, तो वो तो 3 घंटे खाते रहता है। फिर कहता है कि मैं परेशान हो गया हूँ, क्योंकि कार्ड में लिखा है कि खाने खाने का समय 7 से 10 बजे तक का है। अरे भले इंसान, इसका मतलब यह होता है कि खाने खाने का कार्यक्रम 7 से 10 बजे तक का रहेगा, इस बीच आप कभी भी खाना खा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक आदमी खड़े खड़े चाबी से अपना कान खुजा रहा था। पप्पू उसे गौर से देखता हुआ बोला, भाई साहब आप स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तो मैं धक्का लगाऊं क्या? देखो वो चाबी से खुजा रहा था इसीलिए पप्पू उसके साथ मजाक करता है कि क्या आप स्टार्ट नहीं हो रहे, यानी कि शुरू नहीं हो रहे, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको धक्का लगा देता हूँ, आप स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पप्पू मजाक करता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। टीचर, अगर दुनिया में बिजली नहीं होती तो टीवी कैसे देखते? पप्पू, मोमबत्ती जला के। अब समझो बिजली नहीं होगी तो टीवी कहाँ से स्टार्ट होगा, बिना बिजली के तो कुछ नहीं हो सकता। और ये बेवकूफ कहता है कि मोमबत्ती जलाकर मैं टीवी देखूंगा, अब बिजली के बिना टीवी कैसे चलेगा, है कि नहीं? तो बच्चों आपको मजा आ रहा है ना, ये हंसी का पिटारा खोल कर देखो। अध्यापक, बच्चों तुम में से स्वर्ग कौन जाएगा? सबने हाथ खड़ा कर दिया, केवल एक छोटी लड़की ने नहीं किया। अध्यापक, तुम क्यों नहीं जाना चाहती? लड़की बताती है, माँ ने कहा है कि स्कूल से सीधा घर पर नहीं आई तो टांगे तोड़ दूंगी। अब यहाँ पर तो अध्यापक इस रूप में पूछना चाहते हैं कि जीवन में कौन आगे बढ़ना चाहता है, कौन अच्छे कर्म करना चाहता है, यानी कि स्वर्ग में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाना पसंद करेगा, इस रूप में पूछ रहे हैं। अब लड़की ये समझ रही है कि यहाँ से सर अध्यापक क्या करेंगे, तो कि स्वर्ग ले जाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो लड़की कहती है कि मेरी माँ ने कहा है कि स्कूल से सीधा घर नहीं आई तो टांगे तोड़ दूंगी, मुझे तो सर यहाँ से सीधा घर ही जाना है, मैं स्वर्ग वर्ग आने वाली नहीं हूँ। तो बच्चों देखा आपने, कहीं कहीं से बहुत सारी हंसी मिल जाती है। देखिए महिला दुकानदार से, भैया सही रेट लगा लो ना, हमेशा आपकी दुकान से ही सामान खरीदते हैं। दुकानदार, मैडम कुछ तो भगवान से डरो, मैंने आज ही तो दुकान खोली है, आज पहला ही दिन है। देखो महिला झूठ बोल रही थी, वो तो दुकानदार से कहती है कि मैं जो भी खरीदती हूँ वो आपकी दुकान से खरीदती हूँ, इसीलिए आप कुछ कम दाम कर दीजिए। लेकिन दुकानदार उसकी पोल खोल देता है कि भगवान से डरो मैडम जी, क्योंकि मैंने आज ही दुकान खोली है, आज मेरा इस दुकान का पहला दिन है। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये सारे चुटकुले सुनने में मजा आया होगा, है ना? आपको क्या करना है पता है, इस पीपीटी में मैंने आपको जितने चुटकुले सुनाए हैं ना, वो सारे चुटकुले आपको आपकी किताब के अंदर यानी कि बुक के अंदर लिख लेना है, ठीक है। कहाँ पर? रफ बुक में। कहाँ लिखना है? रफ बुक में लिखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपको यह चुटकुले पढ़ने का बहुत आनंद आया होगा, है ना? आपको भी क्या करना है, आपको
आपको भी आपके दोस्तों के साथ, दादा दादी के साथ और मामी पापा के साथ अच्छे अच्छे चुटकुले सुनने हैं और सुनाने हैं, जिससे घर में क्या होगा, जिससे घर में हास्य हो जाएगा, पूरा वातावरण हास्यमय बन जाएगा, राइट, जिससे घर का वातावरण और अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, चुटकुले कैसे होने चाहिए जो हमें सही रूप से आनंद प्रदान करे, किसी को बुरा नहीं कहना है, किसी को बुरा कहकर हास्य नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चों, आपने देखा कि चुटकुले सुनने और सुनाने में मजा आता है। चुटकुले क्या करते हैं? चुटकुले हमें ऊर्जा भर देते हैं, राइट। ऊर्जा यानी क्या? तो हमारे अंदर बहुत सारी ताकत, फिर हमारे अंदर स्फूर्ति आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम खुश रहते हैं, और जब हम खुश रहते हैं तो हमारा शरीर भी हमें साथ देता है और नई ऊर्जा बढ़ जाती है और दुख कोसों दूर भाग जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हम इकाई के जो चुटकुले हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं वहां पर आपको सारे चुटकुले सुनाऊंगी और समझाऊंगी, ठीक है। आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको भी क्या करना है? यस, चुटकुले कैसे ढूंढने हैं और पढ़ने हैं, ठीक है। और जो अच्छे चुटकुले लगे तो आपको घर में भी सभी को सुनाने हैं, गुड। बच्चों, इस तास के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको क्या करना है पता है? यार, आपको उस वर्कशीट को आपकी बुक के अंदर कंप्लीट करना है। लेकिन कैसे? गुड हैंड राइटिंग के साथ, इकाई नंबर और इकाई नाम लिखकर, साथ में दिनांक को भी जोड़ना है, ठीक है। अब सोचिए, मैंने आपको वर्कशीट में क्या दिया होगा गुरु कार्य? यस, चुटकुले, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे इकाई के चुटकुलों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मैं विदा होती हूँ। बाय बाय, धन्यवाद।